पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से मुतमईन कि हम ये देखते हैं कि एजुकेशन का रोल किसी मुल्क की तरक्की में क्या हो सकता है कि अगर आप अपने एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छे ग्रेजुएट निकल रहे हैं वो सारे बाहर ही जा रहे हैं। किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको जाके लगेगा कि यार ये तो मेरे से पहले 100 साल आगे बढ़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अपना नाम इतनी जल्दी कैसे बना सकता। पाकिस्तान में लीडर्स की बड़ी कमी है, अब किसे देखें। आज की यूथ बड़ी समझदार हो चुकी है, नारों के ऊपर जो ना किसी को लीडर नहीं मान देगी। बाहर के मुल्क में तो इस वक्त जो बात हो रही है, AI की बात हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, पैसे कमाने के देयर आर मेनी मेनी मेथड्स। अब बच्चे को पता चल गया है कि भाई AI नाम की भी कोई फील्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी अवेयरनेस है, पाकिस्तान फ्रीलांसर के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर चुका है। छोटी एज में ही जो है ना उसको स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दो, रेड रेस चलती है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बस एक रेड रेस चलती है, एक चीज चल रही है, सब उसी के पीछे भागते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उस तरीके से टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। टीचर का टाइटल लगाओ मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा अंटिल अनलेस ये प्रूव कर देंगे ये टीचर। अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक टीचर में होंगे तो आज के दौर में भी बच्चा आपके कदमों में बैठने के लिए तैयार है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ शोर करने से तो एम्पावरमेंट नहीं हो जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब लोग बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फीमेल यूथ है उसने इस चीज को प्रूव भी किया है। हो सकता है कि आपके लड़के में वो टैलेंट ना हो तो आपकी लड़की में टैलेंट। ऐसा क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे कि करियर काउंसलिंग की जाए। कोई चीज रिपीट नहीं हो सकती, अगर मेरा वो पैशन नहीं था और मैंने मैट्रिक साइंसेज में कर लिया था वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। 4-5 साल के बच्चे के लिए भी ऐसा मशहूर होता है, ये बहुत शायद कि नेचुरल स्किल्स इतनी एज में डेवलप हो चुकी है, आप कहाँ लाते हो, वो आधा बुढ़ा हो चुका है, आप उस बच्चे की करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। टीचिंग के अंदर जो है ना अर्निंग बहुत है, पैसा बहुत है। अगर कोई बंदा 16 घंटे 15 16 घंटे 17 घंटे अगर काम कर रहा है और उसके बाद अगर वो एक अच्छा अमाउंट कमा लेता है तो भाई इतनी मेहनत तो कोई भी करेगा तो कमा लेगा। मैं इसको डिस्करेज भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आज 14 अगस्त है और आप रास्ते में बाजों की आवाजें सुनते आए हैं। जी बिल्कुल, कॉमन जो है प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम बन गई। मैं देख रहा था चीपा साहब की वीडियो को, वीडियो के अंदर वो एक मोटिवेशनली दे रहे थे, वो कह रहे थे भाई देखे 500 रुपए का ये एक बाजा आता है, इसके बजाय जो है ना आप 100 का पौधा ले लें वो ज्यादा बेहतर है। वेल जुनैद, यू आर एन एजुकेशनिस्ट और आप टाइटन कॉलेज के डायरेक्टर हैं और करंटली सिंस यू आर इन द फील्ड, तो मेरा एक जो आपसे पहला सवाल जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि क्या आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन तो एक बहुत बड़ी टर्म हो गई कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम से मुतमईन है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम ये देखते हैं कि एजुकेशन का रोल किसी मुल्क की तरक्की में क्या हो सकता है। जैसे अगर आप ये देखें कि इंडिया ने इस वक्त जो है वो बेहतरीन IT एक्सपर्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए और दुनिया भर के अंदर उनके IT एक्सपर्ट जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो एजुकेशन देखिए, अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, जैसे HEC ने एक हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर जो है वो कोई बॉडी नहीं है जो ये मेक श्योर कर रही हो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला इलेक्ट्रिकल के कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, मेडिकल फील्ड से कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं और कॉमर्स फील्ड से कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर्टिकुलर फील्ड से कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं और हमारे पास फ्यूचर में कितनी एम्प्लॉयमेंट्स इनके लिए मौजूद है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी समझ लें कि बस एडमिशन हुए चले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें, और उसके बाद जो ग्रेजुएट्स हैं उनका मार्केट के अंदर कोई स्कोप ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो फील्ड वो पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद नहीं है या उसका कोई पर्टिकुलर स्कोप नहीं है। और मैंने तो ये भी देखा है कि हर स्टेट ने अपना अपना बोर्ड भी बना लिया है और इनके अंदर एक यूनिटी भी नहीं है। यूनिटी भी नहीं है और डेफिनेटली आपको जो है वो बाइफर्केशन नजर आती है, सिंध बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है। तो अगर आप पर्टिकुलरली एजुकेशन की इफेक्टिवनेस की बात करें ना, तो HEC को पहले इसमें मेक श्योर करना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट की जाए। अब उसमें लाजमी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारा कोई हाल ही नहीं है, और तो उस इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपने एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरा साइड इसका ये निकलता है कि चले ठीक है आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करे जिनमें ये कैपेसिटी हो गए वो मिडिल ईस्ट में जाके, यूरोप में जाके या दूसरी कंट्रीज में जाके अगर वो वहां पर काम कर रहे हैं तो वो वहां पर लेबर क्लास का काम ना करें। वहां पर जैसे इंडिया ने अगर अपने IT एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस किए तो उन्होंने गूगल के
सीईओ तक जो है वो अपना जो है वो सब रिप्रेजेंटेटिव बड़ी लेवल पोजीशंस पे पे वो है, बड़ी लोग पोजीशंस के ऊपर है और आईटी एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी लीडिंग पोजीशंस के ऊपर लीडिंग काम कर रहे हैं। पोजीशंस पे। तो हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम में इतनी प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, इतना ज्यादा इसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, इतना रोबस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसको कि इसके जो ग्रेजुएट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बच्चा ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी से और हमारे पास नहीं है उसकी जॉब, उसने तलाश की, नाउ इज मूविंग एब्रॉड और वहाँ पे जाके जॉब तलाश कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी मल्टीनेशनल कल्चर के अंदर वो इजीली एडजस्ट हो सके, उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको ये तमाम चीज़ें इनकलकेट किए हो थ्रू द टीचिंग, के वो वहाँ पे जाके कैसे सर्वाइव करेगा। तो इस कैलिबर के अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे जो बाहर जाके भी काम करें, तो अगर पाकिस्तान के वहाँ से भी रेवेन्यू आता है तो वो भी बेटरमेंट क्रिएट कर सकता है। बट ये कि बेस्ट तो ये है कि हमारे जो गुड ब्रेन हैं, जो अच्छे दिमाग हैं, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो यहीं पर ही काम करें, इसी मुल्क में सर्व करें। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तो खैर पाकिस्तान के लिए ब्रेन ड्रेन का बना हुआ है कि जो अच्छे ग्रेजुएट निकल रहे हैं वो सारे बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर ऐसी है नहीं। और अब चलें ठीक है, वो MBA है मैनेजर पोजीशन के लिए, लेकिन किसको मैनेज करें? हाँ एग्जैक्टली देखें, इसमें जो आपने बात करी कि ब्रेन ड्रेन है और लोग जो है बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं, तो वो लाजमी सी बात है कि उस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हुआ होता है। कराची सिटी को अगर हम ले लें, इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कराची इसके ट्रैफिक के हालात हैं, इसमें मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स है वो उसको मोटिवेट करते हैं कि ठीक है मैंने यहाँ से पढ़ लिया है, मगर ये कि अब वो शायद अब इसको सिक्योर नहीं देख रहा होता। मगर हमें बींग एन एजुकेटर्स इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए और मैं इसको डिस्करेज भी करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह लेते हैं और यहाँ पर मसाइल हैं नो डाउट, बट इस कंट्रीज के अंदर पाइनियर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इनिशिएटिव्स लेने वालों बिल्कुल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर जहाँ पर इनिशिएटिव्स लेने वालों की कमी होती है, अगर आप उस मुल्क में रहते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है वो लाइम लाइट में आ, अगर आप सही। किसी मुल्क में जाएंगे तो वहां पे तो आपको जाके लगेगा कि यार ये तो मेरे से पहले ही 100 साल आगे बढ़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अपना नाम इतनी जल्दी कैसे बना सकता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि छोटी सी चीज, छोटी सी बात, छोटा सा इनिशिएटिव आपको जो है वो लाइम लाइट में ला सकता है, आपके जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। तो बच्चों को चाहिए कि अपने रोल मॉडल बेसिकली तलाश करें, अपने ही मुल्क से तलाश करें कि भाई हमारे पास जो है वो हमारे मुल्क में ही जो रोल मॉडल है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी ऐसी है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो सोशल वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है उनके पास चांस कि वो आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स दे कैन लीव द पाकिस्तान एंड सेटल एनीवेयर एंड दे कैन लिव अ बेटर लाइफ देयर। मगर वो भी तो यहाँ मौजूद है, वो भी तो इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जुनेद, ऐसा है कि मैंने देखे कि पाकिस्तान में लीडर्स की बड़ी कमी है। अब किसे देखें? देखिए लीडर्स, और दूसरा ये कि देखिए लीडर्स तो बहुत है, मगर जो आज की जो यूथ है ना वो खाली नारों के ऊपर जो ना किसी को लीडर नहीं मान लेगी कि ये नारे लगा रहा है और बस यही लीडर है। आज की यूथ बड़ी समझदार हो चुकी बहुत है, समझदार हो गई। आपने देखा था अभी रिसेंट आपने उसके सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे होंगे कि कैसे हाजिर वजीर आजम को लम्स के स्टूडेंट ने सवाल पूछ पूछ के जो है वो उनको लाजवाब कर दिया था हाँ, हमारे सही यूथ बात ने। उसकी वजह ये कि अब का जो बच्चा है वो अवेयर है, उसको चीजें पता है, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस टाइम के ऊपर जो एक एक जो लीडर है उसकी डेफिनेशन बच्चों ने चेंज कर दी है। पहले वो मौरूसी जो सियासत ही पाकिस्तान के अंदर काम करती भी आ रही थी उसके ऊपर अब उनका दिल नहीं है जाने का, वो जिसको लगेगा उनके दिल में आएगी कि हाँ जी ये जो है लीडर है और ये वाकई में जो है वो हमारे लिए काम कर सकता है, उसको मैं किसी भी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली कोट नहीं कर सकता यहाँ पे। बट ये कि बच्चों को लीडरशिप जो है वो लीडर इतनी आसानी से वो किसी को नहीं मानेंगे, सबसे पहले ये कि वो लीडर में वो क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वही डेफिनेटली तो मैं बोल, आइडियल्स लीडर नहीं है की हमारे कमी पास। है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान। किसको बहुत देखें बच्चे, किसको देखें? बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास, ठीक है। नहीं तो हमारे नेशनल हीरोज ऐसे भी गुजरे हैं जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की अगर हम बात करें, इस तरह के लोग भी गुजरे हैं जिनको पूरी दुनिया ने रेकग्नाइज किया है। बिल्कुल, हमारे 100%। पोइट्स हो गए, हमारा लिटरेचर हो गया, हमारे स्पोर्ट्समैन हो गए बहुत सारे जिनको पूरी दुनिया ने रेकग्नाइज किया है। तो ये कि आजकल के दौर में अगर हम देखें जो पॉलिटिक्स के अंदर जो मीडिया के ऊपर लोग नजर आ रहे हैं, उसको बच्चा जो है वो इतनी आराम से जो है वो लीडरशिप पोजीशन पे लाने के लिए तैयार नहीं है, बहुत अवेयर हो चुका है बहुत बच्चा अवेयर जो हो। फिर बहुत वो जब ज्यादा। देखते हैं ना ये माहौल को, तो वो कहते हैं इट्स बेटर टू बी अ देखिए यूट्यूबर। दूसरी बात है कि अगर वो किसी जो है वो टर्की के सदर की स्पीच सुन रहा है, अगर वो जो है वो मलेशिया की किसी सदर की प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहा है और उनका कैलिबर चेक कर रहा है कि ओ यार वहां पे किस नेचर के जो है वो लोग, किस माइंडसेट के लोग जो है वो मशीनरी के अंदर मौजूद है हुकूमती,
और यहाँ पर किस तरीके के लोग मौजूद है, तो वो कंपैरिजन करके जो है वो कहते कि नहीं जी मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। सही जब भी बात, आप देख रहे होंगे कि बहुत एग्रेशन आती जा रही है हमारी यूथ के अंदर, बहुत ठीक है, बहुत हद से ज्यादा। ज्यादा एग्रेशन आती जा रही है। आप ये देखें कि पेशेंस खत्म हो गए बच्चों के अंदर, सब्र बिल्कुल ही खत्म हो गए। आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नल के ऊपर एक छोटा लड़का 18-19 साल का जो है वो किसी जो है वो बड़ी एज के बंदे के साथ जाकर हाँ लड़ाई बिल्कुल, करता लिहाज है नहीं और करते। अच्छी जो है वो लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं। क्या ये सब फ्रस्ट्रेशन है? फ्रस्ट्रेशन को कैसे खत्म किया जाएगा? उसके लिए आपको ऐसे आइडियल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ऐसे लोग हमें ऊपर नजर आने जरूरी है। बाहर के मुल्क में तो इस वक्त जो बात हो रही है वो एआई की बात हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और वो ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है निकल रहे हैं, उनके बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वापस से जो है वो रिवाइव हो के, मतलब बहुत इनोवेशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना, बहुत बड़ा फुकदान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ ये बाजे बना दिए, वो हमें दे दिए 14 अगस्त पे, पता नहीं वो अभी मैंने मीम्स पढ़ रहा था, मीम्स ही मीम्स भरे हैं भाई, ये आज़ादी है हमारी, सोशल मीडिया पे मीम्स है, बाहर जो है ये आवाज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये कायदे, वो कायदम के मजार पे जाके वो जो है वो बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये उसको जगा रहे हैं। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के लोगों का इस वक्त हाल चल रहा है कि आज़ादी फ्रीडम का इन्हें पता ही नहीं है कि फ्रीडम है क्या। ओल्ड माइंडसेट सेट हुआ हुआ है कि जैसे अगर खैर अब तो बहुत चीजें तब्दील हो गई है। अगर हम थोड़े से टाइम पहले चले जाए तो बस एक बात होती है कि लड़की है तो जी इसने डॉक्टर बनना है, लड़के हैं तो हाँ जिसने इंजीनियर ही बिल्कुल, बनना और ये है, पक्की पक्की फील्ड बनी हुई लड़की थी। है जो इसने जो है जो बैंकर बनना है, बहुत ही एक चंद एक लिमिटेड चीजें थी। मगर अब क्योंकि हमारा यूथ के साथ बड़ा कॉमन इंटरेक्शन है, हमारा यंग माइंड्स के साथ इंटरेक्शन है, तो अब जब से ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स खैर इन्होंने एक जो नेगेटिव साइड क्रिएट किया वो एक अलग चीज है, अलग डिबेट है, बट इसने जो बच्चे को अवेयरनेस दी है, अब बच्चे को पता चल गया है कि भाई एआई नाम की भी कोई फील्ड है, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी अवेयरनेस है, पाकिस्तान फ्रीलांसर के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर चुका है। फ्रीलांसर्स के अंदर फ्रीलांसिंग का जो काम है वो आप ऐसे देखें, हमारे पास मेरे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 16-17 साल की उम्र में जो है वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हैं, जो फोटोग्राफी का पैशन रखते हैं, यहाँ से बैठ के वो वर्चुअल मैनेजर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जो है वो काफी जगह काम कर रहे हैं, या अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर, फाइबर के ऊपर अपनी कोई स्किल सेल कर रहे हैं। तो अब ये चीजें मेरे ख्याल से हमारी यंग जो बच्चे हैं उनको तो समझ आ चुकी है कि अब वो जो डॉक्टर इंजीनियर और ये वाली जो अब वो जो बहुत लिमिटेड एक थे। हाँ फरसूदा सोच थी उससे बाहर आना चाहिए, खाली यही हाँ प्रोफेशंस नहीं होते, या फिर ये कि ले देंगे हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज का कल्चर था कि भाई जी गवर्नमेंट में भर्ती हो जाए लड़का है तो कुछ करके यहाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे क्लर्क की लग जाए, सही लोगों का बात ये है, बड़ा एक माइंडसेट था एक टाइम के ऊपर कि भाई पकी पकी नौकरी हाँ है। पक्की पक्की नौकरी लग जाए ना हमारी। मगर ठीक है, अब इन चीजों से लोग बाहर आते जा रहे हैं, अब बच्चा अवेयर हो गया है चीजों को, जब वो देख रहा है यूट्यूब के ऊपर देख रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा है, तो उसको पता चल गया कि भाई पैसे कमाने के देर आर मैनी मैनी मेथड्स। और अब आप कराची के अंदर आप इसकी मिसाल ले लें कि सही, यहाँ पर जो फूड कार्ट का भी एक कल्चर चल रहा है, राइट, और उसके अलावा जो है वो लोगों ने बहुत स्मॉल वेंचर्स जो है वो अपने स्टार्ट किए हुए हैं, घरों से लोग जो है वो अपने किचन से रन कर रहे हैं, घरों से जो लोग अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब है कि अब ये चीजें लोगों को समझ आ गई है कि भाई पैसे कमाने के लिए खाली जो है वो हमारे हमें जो है वो एक एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक बच्चा हमारे पास था तो उसने उसका पैशन था कि मुझे जो है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी है, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वो कॉलेज के इवेंट्स ही करता रहा, कॉलेज के इवेंट्स ही करता रहा, मगर उसका पैशन डेवलप होता रहा। अभी तो खैर वो एक लीडिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका वो पैशन था, उसके अलावा से वो इवेंट फोटोग्राफी टीवीसी इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, अपना 16-17 लोगों का स्टाफ मैनेज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब उसने अपनी तालीम को अपने रोजगार से बिल्कुल अलग कर लिया। अब अगर ऐसे बच्चे से बात की जाए जिसके दिमाग में भी ये सोच ही नहीं है कि मुझे पढ़ना है और फिर इंटर्नशिप करनी है और फिर जाके किसी से मामू से चाचू से कोई इन्फ्लुएंसर, हमारे एक इन्फ्लुएंशियल एक पर्सनैलिटी होती है खानदान में हर एक के ना, सही कि बात है। उनसे बोलेंगे कि जी उनके बड़े जानने वाले हैं जी हम बड़ी जॉब की कहीं बात करें, कल्चर निकल गया, उसने इंडिपेंडेंट कर दिया, अगर ऐसा डिग्री तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, सही, बट साइड में मैं अपनी जो अर्निंग है और जो अपनी जो एक्सपेंसेस है उसके लिए मैं अपना बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। तो आजकल बच्चे बहुत छोटी छोटी एज में अपने वेंचर्स लेके चल रहे हैं, और इसके ऊपर कोई यूनिफॉर्म एक बॉडी नहीं है जो सपोर्ट कर रही हो बच्चों सही को, बात है। जो आइडियाज दे रही हो, जो एंटरप्रेन्योर्स को
ऐसे जो यंग बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है उनके टैलेंट को प्रमोट कर रही हो, ऐसा कोई बहुत ऑफिशियल हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, बट बच्चों में टैलेंट जरूर मौजूद है। टैलेंट तो बहुत मौजूद है। और अभी मैं देख रहा था, मैंने खैर पिछले साल पहले मेरा एक दोस्त है, उसकी जो है कंपनी आई थिंक सो ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसने की हुई है, तो वो उससे मैं डिस्कस कर रहा था कि यार यहाँ पे शार्क टैंक नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो जाएं और अपना प्रोडक्ट या इनोवेशन को पिच करें जिससे इन्वेस्टमेंट्स ले सकें। तो खैर इस साल मुझे पता लगा कि वो शार्क टैंक हमारे यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। भी, और उसके अलावा देखें जैसे कोविड के बाद से अगर आप सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक जो बोल्टन मार्केट के अंदर भी एक दुकानदार था या जो टिपिकल अपना बिजनेस लेके चल रहा था, उसको समझ आ गई थी कि भाई ऐसे दौर में हमारा गुजारा नहीं है। तो हर एक ने ऑनलाइन भी काम शुरू किया, हर एक ने फूड डिलीवरी भी स्टार्ट करी, हर एक ने वो जो तो है खैर वो मजबूरी ने इन्हें सिखा डिजिटलाइज दिया। करने की कोशिश करी। जैसे हाँ अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री की भी बात करूं तो हम लोग भी एक कन्वेंशनल टीचिंग करते थे कि भाई क्लासरूम में गए, और तो वहां पे अब बड़े एक एडवांसमेंट आ गई है, मल्टीमीडिया है सब चीज़ें, बट ये ऑनलाइन टीचिंग का कल्चर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ है, जब स्कूल शिफ्ट होने लगे ऑनलाइन की तरफ, तो लोगों को पता था कि अगर मैंने लैपटॉप नहीं बाय किया है, डिजिटल टैबलेट नहीं है मेरे पास, एक प्रॉपर गैजेट नहीं है, हेडगेयर नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता उस सर्वाइव ही दौर नहीं के कर ऊपर। सकता। तो ऐसे जो कोविड के बाद से लोगों को रियलाइजेशन स्ट्रांग हुई है कि भाई अपने आप को डिजिटलाइज करने की भी बड़ी जरूरत है, और सही बहुत बात, सारे लोगों ने उसको डिजिटलाइज किया, उसको कैरी भी किया है। अब आप सही। ये देख रहे होंगे कि अब एक छोटे 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 जो वेंचर हैं, जैसे अगर आप देखें छोटी मोटी फैक्ट्री हैं फैसलाबाद की, उनके वीडियोज जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही होती है, छोटा सा एक दुकानदार है मोबाइल शॉप चला रहा है, वो भी अपनी जो है वो कंटेंट क्रिएशन करके फेसबुक के ऊपर डाल रहा है, लोगों को इस चीज का सेंस बड़ी तेजी से आता जा रहा सही है। कह रहे हैं आप। और एक जो छोटा सा जो फूड स्टॉल है उसको भी बताया गया यार मैं एक इन्फ्लुएंसर को अगर बुलाऊंगा और वो मेरा एक कंटेंट कवर करेगा तो इससे मुझे कितनी रीच मिलेगी। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो लोगों में इस चीज की अवेयरनेस अवेयरनेस आ रहा आती जा रही है। ऑल दो जैसे अभी आपने बात करी शार्क टैंक और इस तरह की कोई बहुत ऑफिशियल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है है। जहां पर कोई इसके लेकिन उसको होने चाहिए, ये होने चाहिए बिल्कुल, होने चाहिए। मगर देखिए कोविड के बाद से मेरे ख्याल से लोगों को ये सेंस आ गया है कि ठीक है जी अगर एक छोटी सी भी एक कोई शॉप लेके चलता है कोई बंदा, तो उसको पता है कि मेरा अगर पेज एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा व्हाट्सएप एक चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल है, मेरे पे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, इनफैक्ट टिकटॉक है, समहाउ उसका भी एक पॉजिटिव यूज भी हो सकता है, और उसका बड़ा राइट, अजीब इस्तेमाल भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि उसमें कॉन्टेंट इतना जो है वो डिसेंट नहीं लग हाँ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, हैं। मगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। तो लोगों को भी चीज समझ आ गई कि अगर आप इस साइड के ऊपर भी जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी व्यूअरशिप और इन चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा जिसने गोइंग बैक टू बेसिक्स, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि बच्चे को जो है ना वो छोटी एज में ही जो है ना उसको स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दो उसका। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल की उम्र के अंदर वो एडमिट करवा देते, लेकिन बाहर के मुल्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक देखे तो 5 साल के बच्चे को वो एडमिशन देते हैं। ये क्या पाँच है साल यार? है और कुछ जो है आयरलैंड वगैरह में जो स्कूलिंग की जो एज है वो 7 साल भी है ऑफिशियल, उससे भाई कोई स्कूलिंग नहीं है। देखिए सर, सबसे पहले इसकी जो रूट कॉज है उसके ऊपर आना पड़ेगा। सही। किसी स्कूल ने नहीं आके आपसे कहा आपके घर में यार अब मैं अपने बच्चे को एडमिट करा लूँ, ये बात आप है, ही लाइनों में लगे हैं, आप ही ने जाके लंबी लंबी लाइनें नाम लगाना लिखवाना है आपको भाई, जाके, ठीक पैदा है, होते ही उसका मतलब है वेरिफिकेशन। कि स्कूल का कसूर नहीं है। अच्छा पेरेंट्स क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स क्यों बच्चे को जो है 2-2.5 साल छोटे बच्चे को जो है वो स्कूल में एडमिट करवाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, उसकी वजह है हमारी इन्फ्लेशन, बेड़ा भरा हुआ पड़ा है, एक के कमाने से घर ही नहीं चल रहा, सही बुरा बात हाल है, हुआ भाई। सही तो बात। अब यही है कि पेरेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि यार वालदा भी काम कर रही है कहीं पे, मदर भी काम कर रही है, फादर भी कहीं काम कर रहे हैं, फिर कहीं जमा जोड़ करके उस पैसों को कलेक्टिवली इस्तेमाल करके उनका जो है वो एक्सपेंसिस रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई अगर सुबह जाना है तो बच्चे को फिर कहीं ना कहीं तो छोड़ना, ठीक है, अच्छा जी अब कहाँ छोड़ना है इसका सवाल पैदा होता है। घरों में अगर वो मेड रख के या इस तरह का करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उसके ऊपर रिलायबिलिटी भी नहीं आती, तो फिर सबसे सेफ जोन जो नजर आता है, ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि बेबी सिटिंग और इस तरह की कल्चर जो है वो पाकिस्तान में अब प्रोमोट बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि स्कूल्स के अंदर भी ऐसा है कि वहाँ पे बच्चे दोपहर में नहीं शाम में जाके जो है वो पेरेंट्स पिक कर रहे हैं उनको बच्चों को, यानी वो दोपहर में भी बच्चों को पिक नहीं कर पा रहे, उनके लिए बेबी सिटिंग एरिया और जो है वो अलग से हमारे पास एक्स्ट्रा केयर मॉड्यूल है, इसको डे केयर का नाम डे दिया केयर का जाता है। नाम दिया जा रहा है। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं बेचारे शाम में जो है वो कराची की ट्रैफिक में रुकते रुकते पहुंचते हैं और फिर अपने बच्चे को पिक करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई इतनी हो गई है कि एक के कमाने से काम नहीं हो रहा, तो अब पेरेंट्स ने बच्चे को लामहाला वहां पर छोड़ना है।
तो अब जब वहां पर छोड़ा जाता है, देखिए उस चीज में भी इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी लोग सोच रहे होते हैं कि भाई आपने 2.5 साल के बच्चे को एडमिट करा दिया हो, 3 साल सही के बात बच्चे को, भाई आप उनके क्लासरूम जाके देख लें, मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर आप उनके क्लासरूम जाके देख लें, प्री नर्सरी के ऊपर जाके उनके क्लासरूम जाके देख लें स्कूल्स के, तो वो इस क्लासरूम कम और प्ले एरिया ज्यादा लग रहे होते हैं। तो वहां पर जो एजुकेशन दी भी जाती है, दी जाती है एजुकेशन, वो थ्रू टॉयज या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई खेल के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा होता है। तो और ज्यादातर बच्चा जो है वहां पे कोई फॉर्मल स्टडीज नहीं कर रहा होता है, इट्स नथिंग लाइक कि कोई फॉर्मल स्टडीज कर रहा है अपनी, फॉर्मल कोई बात कर रहा है, कोई फॉर्मल एग्जाम्स हो रहे हैं उसके, वहां पे ऐसा इतना नहीं होता। ज्यादातर जो है वहां पे समझे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस एक्टिविटी किया जा पे रहा था, ताकि चले जी माँ बाप बिजी है तो स्कूल ने तो समझे कि एक आसानी भी कर दी आपके लिए कि चले जी अपने बच्चे यहाँ छोड़ दें, आप यहाँ छोड़ के जाएंगे तो एटलीस्ट अगर हम उनको कुछ कोई ना कुछ सीख रहे एजुकेशन होंगे। बेस्ड हाँ टॉयज है, जैसे मैं अक्सर उन क्लासरूम को विजिट कभी मैंने किया है तो बड़ा अच्छा सा है वहां पर जो है वो ABCD का कोई पियानो उन्होंने रखा हुआ है, कोई ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं जिससे बच्चों को कहा जा रहा है इसको मिक्स करके आप अपना नाम क्रिएट करें, तो कोई बर्डन नहीं होता उनपे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कोई बर्डन हो। मगर ये कि फिर भी हमारी जो है वो एक नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप एक बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में डाल दें, मगर पेरेंट्स के पास कोई और तरीका ही नहीं है भाई, बच्चे को एंगेज कर देगा, घर में छोड़ के जा नहीं सकते, फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान के अंदर सही बात ऑलमोस्ट है। जो है वो कोलैप्स की तरफ ये खत्म ही हो रहा है, तो अब इसमें ऐसे में बंदा क्या करेंगे अगर दोनों वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं। सही, तो ये आप कह रहे हैं कि बेसिक रूट कॉज जो है ना बेसिक रूट कॉज यही है इसका, यही है बेसिक इसका। ठीक है, एजुकेशन। लेकिन आप क्या समझते हैं राइट एज क्या है? देखिए राइट एज अगर आप स्कूलिंग की बात करें तो देखिए प्री स्कूल के लिए अगर जैसे मैंने कहा है कि अगर आप यहाँ से जो है वो बच्चे को एनरोल करवाते हैं तो देखिए वैसे राइट एज ये है कि मेरे ख्याल से जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म आता है कि हम जो है वो 7 साल से उसको बच्चे को जो है वो नमाज की तलकीन करेंगे, रिलीजियस हमारा अगर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो इसका मतलब है कि हमें एटलीस्ट जो है वो 6-7 ईयर्स के अंदर जो है बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। वैसे नॉर्मली क्लास 1 का होम बच्चा जो है एजुकेट वो करें फाइव सिक्स उन्हें। के अंदर ही हमारे पास 5-6 साल की उम्र में जो है क्लास 1 के अंदर होता है, तो यस इसकी एज जो है इतनी होनी चाहिए। बाकी ये प्री स्कूल का कल्चर उस वक्त खत्म होगा जब पेरेंट्स के पास वक्त टाइम होगा होगा। अपने बच्चे को देने का, अगर नहीं है आपके पास बच्चे को देने के लिए वक्त नहीं है तो फिर तो बस यही है कि फिर तो वो ऐसे स्कूलों में जाएगा बेचारा, और क्या हो सकता है उसके सही लिए। बात ठीक है, है सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये तो कुछ लोगों ने इसको जरूरत समझ के करना शुरू किया होगा शायद कि प्री स्कूल नर्सरी में एडमिशन करवा दिया, फिर कुछ लोगों ने सोशल प्रेशर में करवाना शुरू कर दिया कि ठीक है जी, जैसे आपने देखा होगा अक्सर फैमिली कंपैरिजन होते हैं कि मेरे फलाने क्या वहां जा रहा है, तो हाँ, आप ये तो बहुत उसके पीछे पाकिस्तानी दौड़ो, प्रॉब्लम जो है। भाई आपको पता है पाकिस्तान में सही बात कैसे है। भागते हैं, और शायद उनको लगता भी है कि क्योंकि वो हमारे पास एक रेट रेस शुरू हो जाती है, अब एक चीज शुरू हुई है ना बस सब उसी के पीछे भागे, कुछ अरब दौर में IT का दौर आया सब उसी के पीछे आईटी है, में चला गया, BSIT बिल्कुल सारी सही बात। यूनिवर्सिटीज वही ऑफर कर रही हैं। इस टाइम के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इन है, तो मेरे ख्याल से ओकाड़ा के अंदर बैठा हुआ गांव गोट के अंदर बैठा हुआ बंदा भी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंट बना हुआ है कि भाई मैं 8,000 में पैकेज दे रहा हूँ, मैं 6,000 में, यानी एक रेट रेस चलती है यहाँ पे ना सही बात पाकिस्तान के है। अंदर, बस एक रेट रेस चलती है, एक चीज चल रही है सब उसी के पीछे भागते चले जा रहे हैं। अब अगर लोग ये देख रहे हैं कि अर्ली एज में जो है वो इतना बड़ा स्कूल है यहाँ पे एडमिशन करवाना है कुछ भी करके, तो लोग उसी तरफ जो है वो भागते चले जा रहे हैं, कुछ की तो नीड है कुछ पेरेंट्स की, ठीक है जी वर्किंग क्लास से ताल्लुक है बच्चे को इतना टेक केयर नहीं कर सकते उन्होंने डाल दिया स्कूल में, कुछ पेरेंट्स जो है वो सोशल प्रेशर में आएगा, अच्छा जी वो जा रहे हैं तो भी भेजेंगे लास्टली, तो वो फिर एक भेड़ चाल चल पड़ी कि बस अब सभी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दी एंड ना। सही कह रहे हैं। और दूसरा, मैंने देखे कि आपके मेरे दौर में हम मिलेनियल्स हैं, और हमारे दौर के अंदर टीचर की एक बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। मतलब जी एक टीचर आता था, हमें डर सा लग जाता था कि ये नहीं, और टीचर आए, हम बहुत रिस्पेक्ट में टीचर की जो है ना, अगर वो डांटते भी थे हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उस तरीके से टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए somehow ऐसा है बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं कि वो क्राइटेरिया जो है वो बच्चों का ऐसा नहीं रहा, इस तरह की मेरा नेचर नहीं रही, लेकिन जो पुराने दौर में जो आप और हमारा अगर हम वक्त देखें तो हमारे पास इतनी एज सच उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की। आज का बच्चा भी ये तो आप इनको छोड़ दें मेरे ख्याल से टीचर्स को, आजकल तो बच्चे अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे मगर उस सूरत करेंगे जब उनको नजर आएगा कि इनके पेरेंट्स ने जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा एक सिंसेरिटी के साथ काम किया है, तो बच्चे सही, अपने मैं पेरेंट्स को भी जो है वो उस रिस्पेक्ट तरीके नहीं कर से रहा होता, ठीक है तो बिल। टीचर्स को फिर आप किस कैटेगरी में ला रहे हैं। मगर मैं आज भी इतना इस चीज को लेके मायूस नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा अपने टीचर के अंदर कुछ क्वालिटीज तलाश करता है, ठीक है सही।
कि अच्छा जी टीचर एक है वो टाइम पे क्लास में ही नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल वो टाइम पे क्लास में ही नहीं आ रहा और टाइम वक्त से पहले क्लास खत्म कर बिल्कुल रहा है, वो कह रहा है कि इसको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मैं इसकी इज्जत क्यों करूं भाई। दूसरी बात, उसकी पढ़ाने का जो एक समझे के एक पैशन है वो ही नहीं है, यानी कि क्लास के अंदर आके उसकी उस टीचर की वो एनर्जी नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है बच्चे के साथ। तो बच्चा खाली टाइटल दे दोगे कि भाई आप टीचर हो, इसकी इज्जत टीचर करना शुरू कर दो, है। हाँ नहीं तो भाई ऐसे आप तो नहीं बच्चा नहीं करेगा, करेगा। अब सही वो बात। पड़ोस वाले अंकल हमारे तो होते थे भाई के, हम तो पड़ोस वाले अंकल की, इनकी आंटी सबकी रिस्पेक्ट कर रहे होते थे, सिर्फ एक टाइटल लगे होते थे। बच्चा अब इन चीजों की तरफ नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि खाली टाइटल के ऊपर, टीचर का टाइटल लगा मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, अंटिल अनलेस ये प्रूव कर दे कि ये टीचर है, सही उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो इज्जत मिल नहीं रही है टीचर को, टीचर को इज्जत अब कमानी पड़ रही है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि आप टाइम पर कमाने जाएं, क्लासों में टाइम पर जाएं, बच्चे के साथ अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड करें, बच्चे को लगे कि यार ये कोई फादरली फिगर है, इसके साथ मैं अपने मसले डिस्कस करता हूँ, इसके पास बिल्कुल सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल और ये एक ऐसा बंदा है जो जो इसके साथ अगर मैं कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो इसका एक सोल्यूशन निकलेगा, ना कि मुझे कोई इसके ऊपर बुली करेगा और कोई तंग करेगा। तो अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक टीचर में होंगे तो आज के दौर में भी बच्चा आपके कदमों में बैठने के लिए तैयार है, ये बच्चा भी कदमों में बैठने के लिए तैयार है, मगर इसने कंडीशंस बहुत लगा दी है। ये नहीं कह रहा बस टाइटल है, टीचर है, ओके जी इज्जत कर लूंगा, नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। टीचर है तो टीचर की तरह अपनी जो है वो चीज को मनवाए, और जाहिर सी बात है कभी आप थोड़ा गुस्सा भी करते हैं बच्चे के साथ, कभी आपको बहुत ही फ्रेंडली भी आना पड़ता है किसी भी स्टूडेंट के साथ, आप बहुत फ्रेंडली भी होते हैं एट टाइम्स, यहाँ पर मैं जैसे भी बात करता हूँ कि एग्रेशन बहुत है, तो आपको ऐसा हो सकता है यू बिल्कुल मे फेस के क्लासरूम में एक बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, अब उसको आप कैसे डील करते हैं, वो टैक्टफुल ही है भाई, अगर आप भी उसकी एज में आप भी एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा उसको, फिर तो वो यही देखता है कि टीचर भी मेरे कैलेबर पे उतर के आ गया, ठीक है जैसी मैं बात कर रहा हूँ वैसी ये बात, वैसे ये बात फिर कर रहे क्या हैं। डिस्टेंस रह गया। तो इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारी यूथ के पास क्या स्केल है एक टीचर को जज करने का, जो कि अब चेंज हो चुका है, सही अब चेंज हो चुका है। अब पहले तो चल। बस ये था कि मास्टर साहब में ये रिस्पेक्ट है इनकी, ठीक है, बिल्कुल मास्टर में एक चीज चल रही थी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी थी, मगर ये अब बच्चा जो कहता है कि नहीं जी सिर्फ मैं ये देख के नहीं भाई, मुझे कुछ रातें जाग रहा है टीचर मेरे लिए, मुझे जवाब दे रहे हैं, मेरा कल पेपर है आज, मुझे अगर मैं डरा हुआ हूँ मैंने इसको मैसेज किया हाँ है बिल्कुल कि सर कंसल्ट मुझे कर जो रहा है है। बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्या उसका पलट के 2 मिनट में जवाब आ गया, मेरे पास बेटा परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह आप सेवा हिम्मत रखें, मेरा रिजल्ट खराब आ गया। अभी आप में देखो बहुत सारे टीचर्स जो है वो अच्छे रिजल्ट्स को क्लेम कर लेते हैं कि भाई ए ग्रेड स्टूडेंट, आपने मार्केटिंग कैंपेन देखी हाँ होगी बड़ी बड़ी बिल्कुल ये चलती मेरे हुई, मेरे सिस्टर जो है ना, ये हाँ मेरा जी स्टूडेंट फर्स्ट था। साइड इदारे ने एक पूरा बैनर हाँ लगाया था पूरा कि भाई बैनर ये लगाया हमारे कि हाई मेरे। अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स हो हैं आप उनको ओन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट जो इतना ज्यादा ओन कर रहे हैं जो लो अचीवर है बेचारा, वो बिल्कुल ओन ही एक तो वैसे ही डिसहार्ट हुआ है, ऊपर से आपकी कैंपेनिंग जो चल रही है उस पर और डिसहार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपने हर कैलिबर के स्टूडेंट को केटर करना है, आपने किसी को फेवरेट नहीं बनाना अपना, मेरा कोई फेवरेट नहीं है भाई, ये बच्चा फेवरेट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेटिज्म ना हो आपके अंदर, टीचर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज बच्चा देख रहा है, फेवरेटिज्म तो नहीं है, आपने जाके चंद एक बच्चों को भी फोकस किया हुआ है क्लास में, अगर ऐसा नहीं है आप सबके साथ जस्टिफाइड हैं, आप इंसाफ कर रहे हैं, आप मार्क्स देने में इंसाफ कर रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स से जब उनका फीडबैक दे रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो भी एक जेन्युइन फीडबैक है, ठीक है, पीटीएम के अंदर अगर आप फीडबैक दे रहे हैं वो भी एक कंसर्न फीडबैक है, और एक आपने प्रोफेशनली उन चीज़ों को डील किया, आप बच्चे के साथ किसी मामले पर पर्सनल नहीं हो रहे, आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पता है कि भाई ये सपोर्टिव एंड है मेरा, तो इंशाल्लाह इज्जत क्यों नहीं करेगा, ये बिल्कुल करेगा। जुनेद, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आजकल आपको सुनने को बहुत मिल रही है और आई डू इनकरेज, मैं बिल्कुल साथ खड़ा हुआ। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन्हें राइट पाथ नहीं दी जाती, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ शोर करने से तो एम्पावरमेंट नहीं हो जाएगी। देखिए अगर हम थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखें कि अगर किसी घर में बच्ची होती थी, कोई बेटी पैदा होती थी, तो मेरे ख्याल से उसके वालदेन की फिक्र ये होती थी कि इसकी जो है वो परवरिश तो खैर वो कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ एक फिक्र पूरी ज़िंदगी उसकी छोटी एज से लेके चल रहे होते थे कि अम्मी जो है उसके जहेज के लिए पैसे जोड़नी है, चीज़ें जमा करनी है, तो एक हाँ ये सोच होती थी कि भाई इस बच्ची की शादी करनी है, यानी बिल्कुल कि बस एक अल्टीमेट टारगेट ये था कि भाई बेटी अल्टीमेट अगर टारगेट है, एक पुराने दौर में पुराने टाइम के ऊपर ये बिल्कुल। टारगेट था लोगों का कि भाई ये है अच्छा सा जी इसका रिश्ता देखना है, उसकी शादी कर देनी है, ठीक है, ये एक हमारे पास एक कन्वेंशनल रिवायती सोच थी। उस दरमियान में एजुकेशन की अहमियत क्या थी उसकी 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 लाइफ में, वो सिर्फ इतनी अहमियत थी कि रिश्ता मिलने तक एजुकेशन उसको मिलती थी, मैट्रिक में अगर उसका रिश्ता अच्छा आ गया
तो मैट्रिक में उसकी शादी हो जाएगी, इंटर में उसका रिश्ता अच्छा आ गया तो इंटर में उसकी शादी हो जाएगी। तो यानी कि एजुकेशन ग्रेस पे चल रही होती थी। और बहुत दफा ऐसे भी केसेस देखने में आया कि यूनिवर्सिटी को एनरोल हो गई थी मगर उसका अच्छा रिश्ता आ गया तो उसकी शादी कर दी गई, यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करवा दिया गया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा अब ये एक कल्चर चल रहा था कि भाई बच्ची है, लड़की है, तो इसकी बस शादी की फिक्र, शादी इसका फ्यूचर है, यानी जिसकी सही। शादी कर दी हो वही इसका फ्यूचर है। ठीक है, अब लोग इस माइंडसेट से बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत अवेयरनेस है इस मामले सही में। मैं अपने कॉलेज के अंदर देखूँ तो इक्वल नंबर ऑफ एडमिशन आपको मिलते हैं, जितने बॉयज पढ़ रहे हैं उतनी गर्ल्स भी पढ़ रही है। और अब लोगों को ये समझ आ गया है कि मेल फीमेल वाला मामला नहीं है कि लड़का है तो वो कमा के देगा और घर चलाएगा और लड़की है तो जिसकी शादी कर दी है, नहीं, अब इन चीजों से लोग बाहर आ चुके हैं। अब उनको पता है कि भाई ये स्किल सेट है एजुकेशन, अगर आपने ये एजुकेशन लड़के के हाथ में थमाई तो सही। डेफिनेटली उसने आगे जाके ग्रोथ करनी है और उसने जो है वो अपने कैरियर को बूस्ट करना है। यही स्किल सेट अगर आप लड़की को दे देंगे तो उस लड़की ने भी, आरफा करीम जैसी भी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिसपे जो है वो फीमेल जो है वो डोमिनेट कर रही है। और अगर आप पढ़ाई के सेक्टर की बात करें तो मैं बीइंग अ टीचर मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा लड़कियां जो है अपनी पढ़ाई को लेके फिक्रमंद होती है, इतने बॉयज थोड़े से, आपको हमें पता है हम बड़े केयरलेस होते बिल्कुल हैं सही चीजों को कह रहे लेके, हो, ना बिल्कुल सही कि कह अच्छा रहे जी हो। सर कर लेंगे कर लेंगे, मगर लड़कियां बड़ी इसमें जो है बहुत वो सेल्फ फोकस्ड पे होती हैं। बहुत फोकस्ड होती है। और मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट उठा के देख लें, बड़ी यूनिवर्सिटीज की सही मेरिट बात लिस्ट है। उठा के देख लें तो फीमेल इसमें ज्यादा डोमिनेट कर रही है। तो ये बात अब समझ आ चुकी है कि ये अब ऐसे नहीं है कि लड़के को जो है सिर्फ पढ़ाना 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 है और लड़की की जो है वो पहले दिन से जो है वो एक फिक्र पाल लेनी है कि बस इसकी शादी जिस दिन शादी हो कर गई ली, उस दिन जहेज का हमारी सामान बस इकट्ठा बस ये करना इकट्ठा कर लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब लोग है। बच्चियों को तालीम दिलवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फीमेल यूथ है उसने इस चीज को प्रूव भी किया है और बहुत जबरदस्त उसको प्रूव भी किया है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और ये कि अपनी 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 कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है फीमेल। तो मेरे ख्याल से राइट सेट ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन के अलावा एक फॉर्म, एक प्रोफेशनल एजुकेशन लड़कियों को देनी चाहिए और वो पूरा प्लेटफॉर्म उनको वही देना चाहिए जो किसी लड़के को मिल रहा है। ठीक है, मैं आजादी की एज सच ऐसी बात नहीं कर रहा इसके अंदर कि इसको शायद वो फ्रीडम से ले लिया जाए। फ्रीडम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एरा के अंदर कराची जैसे शहर के अंदर जो है वो फीमेल को हाँ, काफी फ्रीडम है, फीमेल काफी को फ्रीडम फ्रीडम, है। यूनिवर्सिटी की लड़की जो है वो अपने घर से जो है वो अकेली निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी जा रही है, वापस भी आ रही है, फ्रीडम है बिल्कुल। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रीडम चंद एक को ना मिले, ये हर बच्ची का ये राइट है, हर फीमेल का ये राइट है कि उसको जो है वो राइट सेट ऑफ एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन उसको दी जाए। और अगर उसके पास टैलेंट है, बच्ची के पास अगर टैलेंट है, उसने अगर डॉक्टरी एमबीबीएस कर लिया है, एक ये रुझान भी हो गया था भाई एमबीबीएस कर लिया फिर शादी हो गई, उसने एमबीबीएस छोड़ दिया घरेलू काम काज में लग गई। बिल्कुल ठीक है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर है उसकी शादी हो गई, भूल गई सब कुछ के भाई अब जो है बच्चों में लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेडिकल कॉलेज में एंटर हो रहे, इतनी कीमती सीट आज के दौर में अगर एक लड़की रिजर्व कर रही है और वहां से ग्रेजुएट हो रही है, एमबीबीएस डॉक्टर बन रही है, तो भाई मेरे ख्याल से उसको 100% अपनी फील्ड में सर्व करना चाहिए। बिल्कुल उसकी शादी होती है, उसकी फैमिली लाइफ है, सब चीजें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। यानी कि हमें बच्ची को ऐसे एजुकेट करना है कि बेटा आपने अपना कैरियर भी बनाना है, यानी शादी वाली जो थॉट है वो गलत नहीं है, सही। कैसर गलत नहीं है, इसमें कोई हाँ कोई दो राय ऑब्वियसली, ही नहीं हाँ है। दो ठीक राय है नहीं कि है। आपने जाके एक पूरी एक फैमिली को लीड करना है तो वो लीडरशिप स्किल कि आपने फैमिली को कैसे लीड करना है वो डेफिनेटली उसकी वालदा जो है वो उसको सिखा सकती है। अलॉन्ग विद दैट उसको ये कहना है कि भाई अगर आप अपने प्रोफेशनल ट्रैक पर चल रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट गेम, जो घरेलू लाइफ है उसमें वेरिफिकेशन करें और अपने कैरियर को जरूर परसू करें। अगर एमबीए एक लड़की ने जरूर जो है वो अपनी फील्ड के अंदर जॉब करे ताकि वो सीट जो आप वहां पर रिजर्व कर रही है, आपने इतनी वहां पर एक हजारों लाखों स्टूडेंट की जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें से अगर आपकी सिलेक्शन हुई है, आपने एक डॉक्टर जब बना है बंदा बच्चा जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से एक इंजीनियर ग्रेजुएट हुई है लड़की, तो उसको चाहिए कि अगर उसने सीट को रिजर्व किया है, एक सीट पे उसने जो है वो उसको कैपेसिटी ऑक्यूपाई की है, तो फिर अब उसको उसको अपनी प्रोफेशनल फील्ड में भी यूटिलाइज करना लाजमी है। सही। ठीक है, अच्छा दूसरा एक तो ये एक्सपोजर हो गया, सेकंड एक्सपोजर ये कि स्पोर्ट्स के अंदर फीमेल को जो है वो आप ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है इस चीज का, तो इसका होना चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर अलहमदुल्ला एक स्टूडेंट है फरिया फहीम, शीज इन अंडर 19 PCB से खेल रही है, तो इस तरह का एक्सपोजर भी बच्चियों को देना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स के अंदर भी इंकरेज करना चाहिए। अगर वो किसी बच्ची में अगर टैलेंट है तो जैसे अगर अरशद साहब जो अभी ओलंपिक्स के अंदर हाँ अगर बिल्कुल, पाकिस्तान के उन्होंने झंडे गाड़ दिए बिग तो अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट है, तो भाई ऐसी लड़कियां भी हैं हमारे पास, ऐसी लड़कियां भी हैं वो भी कर सकती है, उनको भी अगर आप एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देंगे तो उसमें भी फ्लरिश कर सकती है। तो मेरे ख्याल से
अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत बेहतर हैं, मगर जहां पे अगर बेहतर नहीं है वहां पे पेरेंट्स को यही चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। हो सकता है कि आपके लड़के में वो टैलेंट ना हो जो आपकी लड़की में टैलेंट, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। ऐसा और ऐसी कई एग्जांपल्स आपकी फैमिलीज में भी रही होंगी, हमारी फैमिलीज में भी है, बिल्कुल हमारे भी आसपास सर्किल में हम देख रहे हैं कि लड़के में वो टैलेंट नहीं था, पढ़ाई का टैलेंट नहीं था, वो उसकी इंटेलेक्चुअल इतना माइंडसेट नहीं था, मगर उसकी बहन जो है वो उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल तो आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है अपनी औलाद को, ठीक है, उसके बाद उसका इंटेलेक्ट है, उसकी सोच है, उसकी जो है वो पैशन है कि वो उसमें कैसे क्लिक करता है, ठीक है। तो हमें कभी भी जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए कि बस इस पे कम पैसे लगा दिए, इस पे ज्यादा लगा दिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें बहुत बेहतर है, मैं कह बेहतर रहा हूँ ना है, कि पहले बहुत से बेहतर बहुत है, बेहतर, बहुत बेहतर चीजें हो चुकी हैं। सही कह अब रहा। लोगों को समझ आ गया है कि भाई लड़की भी जो है वो लीडिंग पोजिशन के ऊपर काम कर सकती है, स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हो रहा है, तो सब चीजें बहुत बेहतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के अंदर। अच्छा जुनेद, दूसरी चीज़ ये है कि मैं मेट्रिकुलेशन सिस्टम से पढ़ाऊँ और ओए लेवल्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ओए लेवल्स है, लेकिन अभी भी आपको पता है मेट्रिकुलेशन सिस्टम ज़्यादा है, तो क्लास 8 के अंदर ही हमारे सामने एक डिसीजन आ जाता है आपने क्या चूज़ करना है, साइंस, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी या कॉमर्स, ये वाले जो है ना उसके अंदर होता है। अच्छा वो भी वो चॉइस उसके पास तब होती है जब मार्क्स अच्छे होते हैं, वैसे वो मार्क्स के हिसाब से उसको जो है ना चॉइस चॉइस नहीं होती उसके, जिस हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं उस हिसाब से जो है ना वो कॉलेज और उसका एडमिशन हो जाता है उसके अंदर। तो फिर उसके बाद वो मेट्रिकुलेशन करता है, इंटर के अंदर जाता है। मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ वो ये है कि उस बच्चे की करियर काउंसलिंग जो है ना वो करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और बस वो ये देखता है यार मास लोग कहाँ जा रहे हैं, मास अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा यार इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, लगता है एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर से, वो भी अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे कि करियर काउंसलिंग की जाए? देखिए कैरियर काउंसलिंग का बहुत अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर फुकदान है इस बहुत चीज बड़ा का, बहुत बड़ा फुकदान। फुकदान है, बहुत बड़ी लैकिंग है कि कैरियर काउंसलिंग बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पा रही। देखिए कैरियर काउंसलिंग का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है हमारे पास कैरियर काउंसलिंग में कि आपने एजुकेशन के लिए उसको पाथ, एक करेक्ट पाथ देना है, पाथ क्योंकि देना, देखिए कोई चीजें रिपीट नहीं हो सकती। अगर मेरा वो पैशन नहीं था और मैंने मैट्रिक साइंसेस में कर लिया था, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। मेरा पैशन नहीं था, मैंने जो है वो इंटरमीडिएट अगर किया है और वो साइंसेस में कर लिया, मेरा पैशन नहीं था, वो चीज़ अब रिपीट नहीं हो सकती, लाइफ आपकी गुजरती चली जाएगी। तो बहुत ही अर्ली एज के ऊपर जो स्कूल्स के अंदर 5-6 क्लास के अंदर 7 क्लास के अंदर एक इंस्टिंक्ट बच्चे के अंदर नेचुरल डेवलप हो चुका होता है। जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक टीचर है, मैथ्स की टीचर है, वो कंप्लेन कर रही है कि नहीं जी बच्चे को तो मैथ समझ नहीं आती और ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ नंबर्स और इससे इसको इसके बस की बात नहीं है मैथ्स, और अक्सर वो फीडबैक दे रही है। टेक दैट फीडबैक, उस फीडबैक को लें, उस बच्चे को उस नंबर गेम से निकालें। अगर वो उस चीज की उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है उसका, ये आप जाके एग्जैक्टली बात करें, एक टीचर उसकी तारीफ भी कर रही है, एक टीचर कह रही है सर जी उर्दू में बहुत जबरदस्त है, ये आर्ट्स उसको में बहुत आर्ट्स में अच्छा है, बहुत ड्राइंग अच्छा बहुत अच्छी है, बहुत बनाता है। जबरदस्त इसकी ड्राइंग है। तो आप उसके कैरियर पाथ को राइट डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के बाद काउंसलिंग नहीं होती, आपके ए लेवल्स में आने के बाद काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग बहुत पहले होती है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना बहुत जल्दी हमें पिक करना पड़ेगा कि बच्चा किस डायरेक्शन का है, किस माइंडसेट का है। अगर एक बच्चा क्लास 6 का अपना डिबेट कॉम्पिटिशन विन कर रहा है, क्लास 6 का बच्चा, तो क्या उसके स्कूल के अंदर ये चीज हाईलाइट नहीं हुई कि भाई ये बच्चा पब्लिक स्पीकिंग का चैंपियन है, ये पब्लिक स्पीकिंग जानता है, तो हम उसको क्यों जो है वो साइंसेस की तरफ धकेल रहे हैं? हमें क्यों हमारे पास जो है वो इस तरह की बाइफरकेशन नहीं है कि हम जो है बच्चे को अर्ली एज में हम लोगों को जो है वो पिक करना पड़ेगा। जैसे बहुत दफा आपने देखा होगा कि माए कहती है कि जी मेरा ये बच्चा जो है ना ये जबरदस्त है भाई, ये किसी से डरता नहीं है, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से कर लेता है। सही बात। 4-5 साल के बच्चे के लिए भी ऐसा मशहूर होता है, ये बहुत शाय है। अरे भाई वहां उसकी नेचुरल स्किल्स इतनी एज में डेवलप हो चुकी है, आप कहाँ लाके उसको, जब वो आधा बुढ़ा हो चुका है, आप उस बच्चे की करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो सर उसका आधी आधी जिंदगी उसने गुजार दी है, 26-25 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसका मतलब वो अपनी लाइफ गुजार चुका है भाई। अब अगर उसको अब ख्याल आता है
कि नहीं यार मैं तो इस साइड का बंदा ही नहीं था, मैं तो पता नहीं कहाँ फंस गया आके। तो भाई अब आपकी लाइफ रिपीट कोई हो सकती है। तो सही आपने बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो है वो बच्चों के काउंसलर्स जो है वो एसोसिएट करने पड़ेंगे, और एजुकेशन भी जो इदारे हैं, इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपना ब्रॉड माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल है, अब वो एक वो अजीब सी एक थॉट्स बनी हुई है, एक फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है तो मलेशिया है बच्चा, अबे यार भाई क्या हो गया यार, बहुत सही बात है। प्रोफेशंस हैं, फोटोग्राफर है तो ये जाके इसने जी तस्वीरें खींचनी, काम वाम कुछ नहीं करना भाई, अब ये तो भी काम है यार, ये भी बहुत मीडिया बड़ा काम साइंसेज, है। अब ये बहुत बड़ी फील्ड बन गई है भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, ये सारे दिन ड्राइंग ही बनाता रहता है, करता वरता कुछ नहीं है। अरे भाई ये इस माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा पेरेंट्स को बहुत ही अर्ली एज में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, माँ से बढ़ के बच्चे को कोई नहीं परख सकता इस वाह, दुनिया में, कोई काउंसलर नहीं बना, कोई ऐसा शख्स नहीं बना जो माँ से बढ़ के अपने बच्चे को परख सके। ऐसा क्यों? माँ की हस्ती सबसे ऊपर है, वो अपने बच्चे को प्री नेटल से, उससे ताल्लुक ही उसका अलग है ना उस बच्चे क्योंकि से। टाइम भी सबसे ज्यादा स्पेंड वो हाँ अपनी माँ के बिल्कुल साथ एग्जैक्ट, कर। बहुत जल्दी वो पिक कर सकती है। तो मेरे ख्याल से मदर्स, देखिए बाप के साथ एक ताल्लुक बिल्कुल डेवलप होता है बच्चे का, मगर ये कि वो इतना क्लोज नहीं रिलेशनशिप नहीं होता। हो पा रहा आज के, खासकर इस दौर के अंदर। तो पता है मदर्स को पता है कि हमारे बच्चे का पोटेंशियल क्या है, हमारा बच्चा शाय है, हमारा बच्चा एक्टिव है, हमारा बच्चा भागने में तेज है। आप उसकी मदर से फीडबैक लीजिए कि भाई इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है इस बच्चे का। सही। ठीक है, वो एजुकेशन इदारों को उस चीज को इनकलकेट करना पड़ेगा, एंड करियर काउंसलिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। और बहुत जल्दी नंबर हमें, गेम से बाहर निकलना होगा बहुत जल्दी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हमें। क्लास 8 9 10 11 तक की नौबत ही ना आए, बच्चे को पहले ही उसको पता चल जाए। उसके लिए डेफिनेटली आपके एजुकेशन सिस्टम को इतना वर्सेटाइल होना पड़ेगा ना कि उसमें फील्ड्स इतनी ज्यादा निकल रही हो। वो कहता है नहीं मैं ये फोटोग्राफर बनना चाह रहा हूँ, ये बनना चाह रहा हूँ, ये इसका नेचुरल चीज है, इसके अंदर जो नेचुरल इसका टैलेंट है, सही बात। तो वो अगर है तो ठीक है जी, फिर तो इतना वर्सेटाइल अगर हमारे पास करिकुलम है कि हर जगह के पाथ वहां से ओपन हो रहे हैं तो फिर तो है, मगर नैरो विंडो है तो उसके साथ फिर क्या हो सकता है, वो सब कुछ सोच भी ले आना तो उसने भाई ये ले सही ली, फिर बात है। क्या फायदा होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इस चीज को ब्रॉड करना पड़ेगा। एक चीज मैं इसके अंदर और ऐड करता चलूं कि बच्चों की लाइफ के अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको मोटिवेट करें बिल्कुल। अगर कोई एक चीज उसके अंदर हमें बच्चे में कोई टैलेंट नजर आ रहा है पेरेंट्स को, लेट्स से वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है आपको नजर आ रहा है कि गली में क्रिकेट खेल रहा है, ये उसके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, गली में क्रिकेट खेल रहा है और ये बहुत मतलब उसका एक पैशन है क्रिकेट खेलने का, या ये फुटबॉल खेल रहा है तो बहुत पैशन से खेल रहा है, यानी कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इसका नेचुरल टैलेंट है ना इस बच्चे का, जो इसमें नेचुरल टैलेंट है, अगर अल्लाह करे कि बेस्ट तो यही है कि वही उसके रोजगार में कन्वर्ट हो जाए, वाह, वो ही बेहतरीन होगा, फिर वो सारी जिंदगी जॉब नहीं करेगा ना वो, बल्कि वो अपने एक जो है वो पैशन को फॉलो कर रहा होगा। जैसे अरशद नदीम है, अरशद जी नदीम ने आज इतना अचीव कर लिया कि मेरे ख्याल से लाइफ टाइम उसको जो है कुछ करने की जी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, तो ये वही वजह है ना कि आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, ठीक है काम से मोहब्बत वाला एलिमेंट तो खत्म ही हो गया, जब मोहब्बत वाला एलिमेंट काम से खत्म होगा तो फिर तो उसके अंदर वो प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। जब ये हो रहा है कि बस एक चीज चले जा रही है, कोई एकदम कोई जो है वो कोई ऐसी खास पर्सनैलिटी उसमें सामने नहीं आ रही, कोई इनोवेशन सामने नहीं आ रही, तो बच्चे का अगर कोई नेचुरल टैलेंट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स भी आपको नजर आता है, एकेडमिक्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आपको नजर आता है कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, गली की क्रिकेट खेल रहा है, कोशिश करें उसके ऊपर माइनर इन्वेस्टमेंट करें, उसको किसी एकेडमी के अंदर लेकर जाएं, स्विमिंग का शौक रखता है उसको स्विमिंग करवाएं, जिमनास्टिक का शौक रखता है, जो है किसी भी टाइक्वांडो का उसको शौक सही है, बात। कोई भी किस्म का उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज के दौर ने ये साबित कर दिया कि खाली एजुकेशन नहीं है भाई, एजुकेशन के अलावा भी आपका नाम कहीं बन सकता है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हमारे पास ऐसी मिसालें हैं। तो हमें बच्चे के नेचुरल टैलेंट को पिक करना पड़ेगा, एकेडमिक टैलेंट को भी, और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसके टैलेंट को भी पिक करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं हमारे पास जो है वो पढ़ने में इतने खास नहीं होते फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, बट उनकी कुछ सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंप्रूव होती है, यानी आप उस बच्चे से 20 लोगों में बिठा के बात कर लें, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर लें, बिल्कुल। इसका मतलब एक बच्चा पढ़ने में बिल्कुल नर्ड है मगर एक हाँ, उसकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल नहीं है, सेल्स एकदम बहुत स्टेज अच्छी से है, सहम जाता है, नहीं समझ में मार्केटिंग हुआ, बहुत अच्छी है ठीक उसकी। है तो हमें इन चीजों को पिक करना पड़ेगा और अर्ली एज में पिक करना पड़ेगा, पेरेंट्स की भी सही, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ लीडर, जुनेद, आप अभी अपने इदारे के थ्रू किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मेरा जो इदारा है वो इसी जिस पूरे सिस्टम की आप बात कर रहे हैं इसी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है
तो टाइटन कॉलेज ने इसी फ्रेम में रहते हुए जो है वो काम करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ द फ्रेम कोई बात करना शुरू कर बिल्कुल दूं। तो वी ऑफर एएस एंड A2 लेवल एजुकेशन, हम कैम्ब्रिज की एजुकेशन ऑफर करते हैं, ठीक है। ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि बहुत लोग कर रहे बहुत हैं, लोग कर रहे हैं। पता नहीं कितने। अब तो खैर पहले तो खैर 3-4 बड़े नाम होते थे कैम्ब्रिज के अंदर, अब तो खैर ये बहुत जो है वो बहुत एजुकेशन नाम। नेटवर्क्स इसके अंदर पूरे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइटन इटसेल्फ एक एंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है विद इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब पर्टिकुलरली ए लेवल के अंदर, अब ए लेवल के अंदर जो क्योंकि मैं ये लीडरशिप पोजीशन पे आने से पहले, अपने कॉलेज को स्टार्ट करने से पहले, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ और रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस में रहा हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे वहां से एक इनपुट तो मिला होगा। यानी मैं बीइंग अ टीचर किसी चीज पे मुझे गुस्सा भी आता होगा कि यार ये देखो मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, सही कॉरिडोर में शोर करते हुए जा रहे हैं, ये सही। चीज क्लिक कर गई। टाइटन के अंदर जो है वो एकेडमिक फ्लोर ही बिल्कुल अलग है, अच्छा बिल्कुल अलग कर दिया एकेडमिक फ्लोर। वहां पे बच्चे की जीरो एक्टिविटी, वहां पे खड़ा होना भी अलाउ नहीं है बच्चे को। सही ये एज ए टीचर मुझे हिट की इस चीज ने, मैंने अपने इदारे में लाके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, फिर जब मैं पढ़ाता था जिस वक्त मैं, तो अगर मुझे 70-80 बच्चों का सेशन दे देते थे ना पढ़ाने के लिए कि जुनैद साहब इसको पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा तो देता था मगर अंदर से मुतमईन नहीं होता था उस चीज को लेके कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, आखिरी सीट में बच्चा बैठा हुआ, उससे कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो रही, कनेक्टिविटी बच्चों के बिल्कुल नाम याद नहीं हुए यार अभी तक, एक भेड़ चाल चल रही है, मजा नहीं आता था। पढ़ा तो देते थे, जॉब भी पढ़ा देते थे, जाहिर भाई सी पे भी बात पढ़ाना है। तो था। खैर, अपने इदारे में आए, अपने इदारे में हमने बैच साइज बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, एक आइडियल बैच साइज के ऊपर चले गए जो ए लेवल्स में होना चाहिए, एक सही आइडियल बैच साइज विच इज 35-40 मैक्सिमम स्टूडेंट पे हम गए। और उसके साथ भी हम एसोसिएट टीचर रख के दे रहे हैं कि भाई एक टीचर जो मेन टीचिंग कर रहा है देखो बहुत ही प्रोफेशनली वो बिजी होता है, उसका स्केड्यूल, तो उसका एसोसिएट टीचर है, असिस्टेंट टीचर जो उसका हेल्प आउट कर रहा है, बच्चों की क्वेरीज डील कर रहा है। तो एक रोबस्ट किस्म का एकेडमिक प्रोग्राम बनाया। तो यानी कि जो चीजें हमें मुझे नजर आती रहती थी वहां पे, उसको आप जाहिर सी बात है जब आप लीडरशिप पोजिशन के ऊपर है, देखिए लीडर का काम ही क्या होता है कि जब लीडर पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि लीडर ही पैदा होता, उसने जो है वो हाँ बनाया जाता उसमें है। जो है उसने अपनी एक पूरी जर्नी, एक लाइफ स्पैन गुजारा होता है, उसके अंदर उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको लाने के लिए बेटरमेंट करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, उसके अलावा जब मैं देखता था कि बच्चों के स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा, जब मैं खुद टीचिंग वगैरह फील्ड में था या जॉब कर रहा था उस समय, तो बच्चों का स्पोर्ट्स के ऊपर जो है इतना रुझान नहीं होता था। यानी एक वो कन्वेंशनल सा जो है वो पी का या पीटी का पीरियड होता था, बस उसमें जो थोड़ा बहुत भाग दौड़ सही हुई है, बात। इतना ज्यादा ध्यान नहीं था प्रोफेशनलिज्म में एक प्रॉपर। तो टाइटन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड कोचेस हैं, अच्छा क्रिकेट के अलग कोच हैं, उनकी अलग ट्रेनिंग्स होती है, फुटबॉल के अलग कोच हैं, अलग डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, और हमारे पास से जो है प्रॉपर जो है हमारे पास टीम जो 4 हाउसेस काम कर रहे हैं, जिसके 4 हाउसेस के अंदर हमारे स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, उनके पूरे साल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, और हम लोग जो है वो लीडिंग पोजिशन पे जो बच्चों को लेकर जा रहे हैं उन्हीं को लीडरशिप दे रहे हैं कि आप जो है वो स्पोर्ट्स के एक कैप्टन बनाए हुए हैं, उसको उसी चीज को जो है पूरे साल एक हेल्दी एक्टिविटीज उनकी करवाते रहते हैं, उससे वेरी जो गुड। है वो डेवलप हो जाती है चीजें। अच्छा, फोर्थ चीज ये थी कि जब मैं देखता था कि भाई हमारे पास जो है वो ए लेवल्स कॉलेजेस के अंदर, जिस हिसाब से जब मैंने काम कर रहा था, जिस वक्त मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो है वो एक जो है ना वो बच्चों की प्रॉपर, जैसे भी आपने बात करी कैरियर काउंसलिंग की, तो कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। बच्चा जो है वो बस वही जो एक कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें बैठ गया। हमारे पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, हम बच्चों की अर्ली जो है वो काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ उनके सेटलमेंट करते हैं कि भाई मे बी पॉसिबल कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। यानी हमारे से अगर कोई भी बच्चा आके एनरोल करवाता है तो हमारा सवाल ही होता है कि भाई आपने फ्यूचर में करना क्या है, क्योंकि आपने स्कूलिंग कर ली कॉलेज, इसके बाद एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी की है, तो अब सही आपका जो बीच का ये एरा है दैट शुड लिंक टू योर फ्यूचर गोल्स। तो अब जिस बच्चे के फ्यूचर गोल्स होते हैं हमने बाहर जाना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो है वो काउंसलर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एकेड फेस्ट होते हैं ये बहुत अच्छी जिसके अंदर चीज जो है वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनको गाइड करते हैं। है। अच्छा, कोई लोकल यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है तो भाई, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के हम लोग बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत जबरदस्त उसके अंदर हो जाती है। अच्छा, दूसरा स्कूल्स कॉलेजेस, खैर ए लेवल्स में तो अब ऐसा रुझान नहीं है, ए लेवल्स में सारे कैंपसेस जो है वो कॉलेजेस के बहुत जबरदस्त है, मगर हमारे कैंपस के अंदर खूबी ये है कि ये बहुत ही ज्यादा पर्पस बिल्ट है,
अच्छा यानी ऐसा नहीं कि पहले कोई और जगह थी और फिर इसको जबरदस्ती कॉलेज का रूप दिया गया। ये पहले दिन से जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो कॉलेज का ही सोच के हुई है। तो इसके अंदर अलहमदुल्ला हमारे पास बेसमेंट के अंदर जो है वो गर्ल्स प्रेयर रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है, और उसके बाद जब आप जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वहाँ पे सारी एकेडमिक सॉरी एडमिन एक्टिविटीज है, प्रिंसिपल ऑफिस है, डायरेक्टर ऑफिस है, रिसेप्शन एरिया है, पेरेंट्स वेटिंग एरिया है, लाइब्रेरी है, स्नोकर रूम है, ई गेमिंग एरिया है, टाइटन टेरिटरी है, डिजिटल स्पेस, यानी नीचे हमने सारी इंडोर एक्टिविटीज रखी हुई है। कैफेटेरिया हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट है, कैफेटेरिया हमारे पास एंट्रेंस पे बिल्कुल। फिर फर्स्ट फ्लोर इज डेडिकेटेड टू एकेडमिक्स, नो नथिंग, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स की बात होगी। साइंस लैब्स है, क्लास रूम्स है वहाँ पे बच्चे की, इनफैक्ट बाहर बैठने की कोई सिटिंग भी नहीं है, वहाँ से वो निकलेगा क्लास से फॉरन उसको इवैक्यूएट करना है विद इन फ्यू मिनट्स। फिर आउटडोर एक्टिविटी के लिए हमारे पास छत है, जो रूफ टॉप है, और उस पर जो है वो हमारे पास डेडिकेटेड फुटसॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, अभी क्रिकेट नेट्स है, और वहां पर भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास आउटडोर कैफेटेरिया मौजूद है। तो ये पर्पस बिल्ड कैंपस है, यानी जिस दिन सही ये बनना शुरू हुआ था पता था कि ये कॉलेज बनेगा। बाकी तो सही आपने देखा होगा ना कि ऐसा भी होता है कि एक बिल्डिंग एक्वायर कर ली, उसको बाद हाँ में जी हाँ जी जबरदस्ती रूप दिया जबरदस्ती जा रहा रूप है दे जा या रहा बस ये कुछ बिल्कुल। करके कॉलेज की शक्ल में चला जाए, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल, ये पर्पस बिल्ड कैंपस है। अच्छा, और जो एक चीज थी कि हमारे पास जब ये ए लेवल कॉलेजेस के अंदर मैंने मुख्तलिफ जगह पे जब काम किया तो वहां पर फैकल्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइटन के अंदर हम लोग आए तो हमने एक बहुत ही आइडियल फैकल्टी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। अच्छा, अब आइडियल इन अ सेंस कि जब एक स्टूडेंट हमारे कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी सही रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको ऐसा टीचर पसंद है कि सर थोड़ा सा फ्रेंडली हो और बहुत ही ज्यादा जो है ना मुझे मतलब कनेक्टिविटी उनसे बिल्ड हो जाए, इस तरह के टीचर होने चाहिए। तो हमारे पास जो है वो उस स्किल सेट का भी टीचर है, यानी हमारे सही पास एक यंग टीचर भी है। हमने बहुत सारे टीचर्स को एक्सपोजर दिया है यहाँ पे अपने कॉलेज के अंदर, यंग टैलेंट को हम लोगों ने एक्सपोजर दिया है। बहुत सारे टीचर्स हमारे पास जो है वो ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो ए लेवल हमारे कॉलेज से पढ़ाना शुरू किया, बट वाई, क्यों हम लोगों ने उनको देखा, उनमें टैलेंट था बहुत ज्यादा। सही तो ऐसी फैकल्टी बनाई जिसमें यंग लोग भी मौजूद है और एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स भी मौजूद है, ताकि अगर एक बच्चा आता है वो कहते नहीं जी मुझे तो हाईली एक्सपीरियंस टीचर से किसी से पढ़ना है, दोज हुआ कन्वेंच बहुत जबरदस्त पढ़ाते हो, इस तरह का हाईली एक्सपीरियंस हो, 20 साल का तजर्बा हो, 25 साल का, तो उस कैडर के भी टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और अगर कोई फ्रेंडली कनेक्टिविटी बिल्ड हो, टाइम ज्यादा दें, बैठे मेरे साथ, इस तरह का टीचर चाहिए, तो इस तरह का भी हमारे पास टीचर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है टाइटन कॉलेज का, अच्छा वेरी तो गुड। ये इसको जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। अच्छा लेकिन आपने भी देखा है जुनेद कि अब स्कूल्स में कॉलेजेस में कंपटीशन बहुत आ गया। जी बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक हेल्दी, हम उसको नाम देंगे कि अगर एक हेल्दी कंपटीशन है, तो सेंटीमेंट बेनिफिट पेरेंट्स का हो रहा है और अच्छा स्टूडेंट का हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ए लेवल्स और ओ लेवल्स, ये कैम्ब्रिज सिस्टम है, ये पहले सिर्फ अशराफिया और जो फ्यूडल क्लास इनकी रीच में होता था, और दो तीन चार नाम होते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसे जो उसको ही लेकर चलते कराची थे। के ठीक है, अंदर तो कराची के अंदर ऐसे बहुत है पर्टिकुलर नाम थे, राइट तीन ऐसे चार ही नाम आपको भी हो गए। ठीक है, राइट अच्छा, अब क्या है, अब बहुत बहुत सारे ए सारे लेवल्स, हैं ओ लेवल्स, स्कूल्स, बिल्कुल कॉलेजेस, नेटवर्क्स हमारे पास ऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या है, इससे वो जो फी स्ट्रक्चर था ना हमारे पास, जो एक बहुत ही हाई क्लास फी स्ट्रक्चर था, हाई एंड फी स्ट्रक्चर था, वो फी स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। तो अब ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइटन के अंदर, एक तो स्कॉलरशिप का एक बड़ा हमारा क्राइटेरिया है कि हम लोग जो है वो ना सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बल्कि अगर बच्चे में कोई और टैलेंट है, लाइक अगर उसकी कोई अचीवमेंट है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, कोई पब्लिक स्पीकिंग की अचीवमेंट है, तो उस पर भी स्पेशल स्कॉलरशिप उसको दी जा रही है। तो फी ब्रैकेट जो है ना हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फॉल कर जाता है इस कॉम्पिटिशन की वजह से आपके पास। अल्टीमेट जो इसका बेनिफिट है वो पेरेंट्स को और स्टूडेंट को हो रहा है, उनके पास चॉइसेस बढ़ गई है, फी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हो गए कि अब अफोर्डेबिलिटी क्रिएट हो रही है। एक मिडिल क्लास पर्सन भी जो है, बंदा एक सोच सकता है कि एक ए लेवल कॉलेज को वो अफोर्ड कर सकता है और जो है वो अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिलवा सकता है। तो ये कंपटीशन की वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर कंपटीशन ना होता, वही तीन चार नाम चल रहे होते, लोग आगे नहीं आते इस चीज के अंदर। तो ये आपने खुद भी आपने देखा होगा कि ये बहुत ही एक अशराफिया का, बिल्कुल ना, फ्यूडल क्लास, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, आप, बिल्कुल सही इस कह रहे क्लास का हैं। सिस्टम था भाई। ये तो अब कॉमन मैन के बिल्कुल हाथों में आ गया। कैसे आया? कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन की कंपटीशन वजह इतना बढ़ गया है सिटी के अंदर, इतने स्कूल एंड कॉलेजेस हो गए कि अब जो है उसका फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल होता जा रहा है और पेरेंट्स के पास चॉइस बढ़ गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि जो कि जो इवेंचुअली मेरे ख्याल से बिल्कुल लोगों के लिए सही, बेहतर है। अच्छा मैंने सुना है जुनेद के टीचिंग के अंदर जो है ना अर्निंग बहुत है, पैसा बहुत है,
क्या ऐसा वाकई में है देखिए, रियलिस्टिकली? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन है क्या, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन की कुर्बानियाँ क्या क्या है। अगर आप उस कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, एक अगर हम, खैर मैं तो लीडरशिप पोजीशन पे अपना कॉलेज चला रहा हूँ, एक हम ऐसी बात करते हैं कि एक टीचर है जो स्कूल के अंदर जॉब कर रहा है, सर्टेन सही स्कूल के अंदर, ठीक है, और फुल टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है। अगर वो फुल टाइम जॉब कर रहा है और अगर वो रेप्यूटेबल स्कूल है, ओ लेवल से फुल टाइम जॉब कर रहा है और वो एक फ्रेश ग्रेजुएट उसके अंदर इंडक्ट हो रहा है, तो उसकी सही सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 40-50,000 या इनफैक्ट 60,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, आज के दौर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो तकरीबन स्कूल की जो टाइमिंग्स हैं वो 8 बज के तकरीबन 2 बजे तक होती हैं, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे से भी पहले होता है, और बाज़ अब टीचर्स की लेट ड्यूटीज भी होती हैं, तो जिसकी वजह से उनका टाइम जो है कभी 2:30 बजे 3 बजे भी चला जाता है, ठीक है। सही तो एक बहुत ही उनका जो है वो टाइम उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, अब लग ऐसा रहा होता है कि उसके अंदर काम करने को ऐसा जैसा कुछ नहीं है शायद। देखिए, अगर हम देखें तो पीरियड्स हमारे पास जो स्कूल्स के अंदर होते हैं वो 8 पीरियड होता है, 4 ब्रेक से पहले नॉर्मली, वो 4 ब्रेक के बाद होता है, ठीक है। अगर सही उसके एक पर्टिकुलर डे में 6 लेसन्स जो है वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि 6 क्लासेस उसको जो है वो एक दिन में देनी है 8 में से, ठीक है। अब वो 6 क्लासे अगर वो दे रहा है और 2 पीरियड उसके फ्री है, उसमें से भी किसी एक में उसका फ्रैक्चर लग गया, तो फिर वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी एनर्जी कितनी उसके अंदर स्कूल के अंदर कंज्यूम हो रही है। उसके अलावा पेपर वर्क अलग है और ब्रेक टाइम पे ड्यूटीज टीचर्स की अलग लगती है, तो उस सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो सैलरी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को लेकर आते हैं कि भाई ठीक है, वो टीचर जो है वो वहाँ पे, उसने वहाँ पे पढ़ाया और उसके बाद जो है वो इवनिंग में ट्यूशंस देता है, ठीक है। तो आपने पहले सुबह 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक काम किया, ठीक है, बीच में आपको शायद कोई बहुत ही हार्डली अपने खाने का ब्रेक मिल रहा है और आपने जो है वो जाके ट्यूशन सेंटर के अंदर पढ़ाना है, ठीक है। अब वो ट्यूशन सेंटर के अंदर जब वो पढ़ा रहा है, अब 4 बजे 5 बजे अभी क्लास स्टार्ट कर रहा है, तो अब वो कोई रात के 10 बजे तक पढ़ा रहा है, कोई 9 बजे तक पढ़ा रहा है, कोई 11 बजे तक पढ़ा रहा है, सैटरडे संडेज भी पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर उसने क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने सही अपने में, बात है, क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सही उसने, बात उसने है, अपने सोशल इवेंट्स कॉम्प्रोमाइज किए, बिल्कुल उस शख्स ने अपनी फैमिली लाइफ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया, उस बंदे ने जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर की पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा, यानी कि वो क्लासों में इंगेज हुआ हुआ है। अच्छा, क्यों इंगेज हुआ हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर उसकी जो सैलरी है वो 50-60,000 हार्डली है, वो भी रेप्यूटेबल स्कूल की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पर 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार में भी टीचर को रख लेते हैं जो सब स्टैंडर्ड स्कूल है, तो अठारह अच्छा बीस हजार रुपए तो एक मजदूर की सैलरी नहीं है, तो सही आप बात टीचर है, की सैलरी जो है वो आपने रख के क्या क्या एहसान कर दिया उसके ऊपर। तो अब ये स्टैंडर्ड स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, किसी अच्छे स्कूल में अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसकी ये सैलरी ब्रैकेट होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट लमसम में यही 50,000-60,000-55,000-45,000 यही ब्रैकेट में उसकी सैलरी फॉल कर रही होती है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसको फिर अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो है वो इवनिंग ट्यूशंस की तरफ वो जब जाता है, फिर उसके लिए एक वो स्टार्ट हो जाता है कि वो उससे सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करना है, वो अपने घर में बैठ के प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, वो एक हैसिल की जो है वो लाइफ अपनी, और फिर रोड स्ट्रेस आपको पता है कितना ज्यादा होता है। तो अगर इतना सब कुछ करने के बाद सुबह 8 बजे अगर एक बंदा जा रहा है और रात में 10-11 बजे, इनफैक्ट कुछ टीचर्स तो 10-11 बजे भी नहीं जा रहे, 12-12 बजे जा रहे हैं और जाके फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर कोई बंदा 16 घंटे 15-16 घंटे 17 घंटे अगर काम कर रहा है और उसके बाद अगर वो एक अच्छा अमाउंट कमा लेता है, तो भाई इतनी मेहनत तो कोई भी करेगा तो कमा लेगा, किसी भी प्रोफेशन में करेगा तो कमा लेगा। तो टीचिंग के ऊपर ये लेबल लगाना कि भाई इसमें बड़ा पैसा है, बड़ी इजी अर्निंग है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बे इंतहा मेहनत है और इंतहाई पेशेंस का काम है, हल्के बंदे का काम ही नहीं है। मैं सीधी बिल्कुल बात कह रहा हूँ कि अगर जो बंदा बाहर बैठ के ये बोल रहा है ना कि टीचर की प्रोफेशन बहुत आसान है, उसको सिर्फ एक दिन ये बोला जाएगा कि भाई किसी टीचर का फुल डे का काम एक दिन करके देखो, सुबह 8 बजे स्कूल जाओ, उसके बाद जो है वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के सारा करो, इंशाल्लाह आपको एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा, आप चल के नहीं जा सकते। सही ये बात, सिर्फ एक टीचर का स्टेमिना होता है कि वो इतने आराम से जो है वो ये सब चीजें कर लेता है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अच्छा, आपकी फैमिली लाइफ बहुत फैमिली डिस्टर्ब लाइफ को होती आप है, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत अगर डिस्टर्ब कोई होती इतनी कुर्बानियों पे उतर आया है, कोई है। किसी और प्रोफेशन के अंदर भी, तो जनाब वो वहां पे भी कमा लेगा। तो टीचर अगर कमा रहा है तो खाली सुबह से नहीं कमा रहा, वो शाम में भी मेहनत कर रहा है, वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, वो होम ट्यूशंस भी दे रहा है जाके बच्चों को, फिर कहीं जाके वो अगर एक अमाउंट कलेक्टिवली कमा पाता है तो भाई ये वो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा के कर रहा है, ये कोई टीचिंग प्रोफेशन का इतना कमाल नहीं है। हाँ देखिए, अगर एक हम वो चीज कहते हैं कि
कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनमें बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, तो हर प्रोफेशन के अंदर है फिर तो ऐसे। सेम आपको क्या बात लगता है है कि ऐसे। हर टीचर ही इतना कमा रहे? नहीं भाई, हर टीचर भी नहीं नहीं इतना नहीं ऐसा कमा नहीं रहा, है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। क्या हर बैंकर जो है वो 5 लाख सैलरी ले रहा है? नहीं भाई, वो नहीं 40 हज़ार भी ले रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, टीचिंग फील्ड में भी आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे, बट ये नॉर्मल 90-95% केसेस ऐसे नहीं है जिसके अंदर हर कोई जो है वो 25-25, 40-40 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। हर केस में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाली फील्ड है ये, इतनी आसान नहीं है। आजकल के बच्चे जो है वो ओ लेवल्स ए लेवल्स ग्रेजुएट करके इस फील्ड की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। सही अच्छा, है। उसकी वजह क्या है कि टीचिंग के अंदर पेनिट्रेट करने का कोई एसेंस, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लाइक वो IBM में पढ़ रहा है, NED में पढ़ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और अब वो ये सोच रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद जो है थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा दिया करूँ ताकि मेरे भी एक थोड़ा सा जो है वो पॉकेट मनी निकल आए और मैं अपने एक्सपेंसिस को बेयर कर सकूँ, तो ये तो वेरी गुड थिंग ये बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक उनको नजर आता है कि इसके अंदर जो है वो चार्म है, और फिर उसके बाद जो है वो इस टीचिंग फील्ड के अंदर आ जाते हैं। मगर आने के बाद आप किसी भी टीचर से बोलोगे कि क्या बहुत पैसा है, वो कहेगा हाँ है, मगर भाई उसके लिए जो काम है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है वो करने के बाद। हाँ शायद बिल्कुल ऐसा, वो भी है कि कुछ केसेस में, मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं सही कह रहे हैं है। आप। थैंक यू जुनेद, आपने एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर जो है ये बात की, और थैंक यू फॉर पुटिंग योर इनपुट एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट। जजाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।